इंदौर की सावेर सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए सभी मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सीआरपीएफ बल के साथ ही अन्य राज्यों का पुलिस बल भी मतदान केंद्रों पर तैनात है और सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामों को लेकर संवाददाता अजहर शेख ने डीएसपी अजय वाजपेयी से खास बातचीत की। चलिए दिखाते हैं। विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज मतदान हो रहा है, मतदान किया जा रहा है। एक बूथ बनाया गया है जो इंदिरा कॉलेज के जो रहने वाले डॉक्टर छात्र हैं उनके द्वारा यहाँ मतदान किया जा रहा है। सभी जो विधानसभा क्षेत्र जो बूथ है सभी में पुलिस बल लगा हुआ है। जो क्रिटिकल बूथ है उसमें हमारी सीपीएमएफ जो हमको प्राप्त है चुनाव आयोग द्वारा उसमें हमने यहाँ लगाया गया क्रिटिकल में। बाकी इनको समय समय पर चेक करने के लिए पुलिस पेट्रोलिंग मोबाइल है। पुलिस पेट्रोलिंग मोबाइल को चेक करने के लिए जीओज है, थाना प्रभारी मोबाइल है और लगातार एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एसडीएम साहब के साथ सारे क्षेत्र का जायजा लेके और जो भी व्यवस्था उसको सुदृढ़ की जा रही है। ऐसे वैसे कोई विशेष तो नहीं है, सामान्य तौर पर जैसे कहेंगे कि उन्होंने कहा ये किसी का आइडेंटिटी कार्ड नहीं है कि मॉक पोल के समय कोई एजेंट नहीं आया, ये छोटी छोटी चीजें जो अंदर की थी वो प्रॉब्लम है। बाकी जैसे हम लाइन ऑर्डर के संबंध में बात करें या किसी सिक्योरिटी के संबंध में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इसके अलावा मैं अभी खुड़ेल क्षेत्र में व्यवस्था देख रहा हूँ, 74 बूथ है यहाँ पर, बाकी सभी जगह शांतिपूर्ण अच्छे मतदान है, सभी जगह सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ है और समय समय पर हम उसको रिव्यू कर रहे हैं। जैसे एक थोड़े समय के बाद एक जैसे बीच में ब्रेक ना आए तो और अच्छी हम व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पर डीएसपी अजय वाजपेयी का कहना है कि सुरक्षा की व्यवस्था जो इंतजाम थे वो काफी पुख्ता किए गए हैं। जो पूरा ग्रामीण एरिया है वहाँ पर तमाम पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, आला अधिकारी वहाँ पर भ्रमण करें, निरीक्षण करें। अभी तक कोई सी वाद विवाद की स्थिति जो फिलहाल में सामने नहीं आई। कैमरा पर्सन बंटी राठौर के साथ अजय शेख, स्वराज एक्सप्रेस, इंदौर।